हेलो एवरीवन, हाय। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। ठीक है, तो इस सफ़र में रुकना नहीं है, ठीक है, चलते जाना है। कभी ऐसा आएगा एक दिन जब वर्षों का संघर्ष एक बहुत ही खूबसूरत तरीके से तुमसे टकराएगा और कहेगा, मुबारक हो, तुम इस संघर्ष को, तुमने इस संघर्ष को जीत लिया है एंड यू आर अ विनर। तो इसी उम्मीद के साथ हम लगे रहेंगे, ठीक है। आप भी डेली करंट अफेयर देखेंगे, हम भी सेशन लेके आएंगे, ठीक है। और इसी के साथ आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। देखो, पहला क्वेश्चन क्या है, किस कंट्री के फॉर्मर प्रेसिडेंट, अच्छा प्रेसिडेंट का नाम भी दिया हुआ है, ऑब्वियसली जब कंट्री पूछ रहा है, ठीक है, ऑप्शंस पे कंट्री है, कंट्री पूछ रहा है तो प्रेसिडेंट का नाम या कोई इन्फॉर्मेशन देगा। तो नाम क्या है, जॉर्जियो नेपोलिटानो, ठीक है, जॉर्जियो नेपोलिटानो। ये कब से कब तक कार्यरत थे? एक तो इनका निधन हो गया है, ठीक है, करंट अफेयर का क्वेश्चन है। तो ये कब से कब तक कार्यरत थे? तो ये 2006 से 2015 तक, 2006 से 2015 तक कार्यरत थे, ठीक है। किस देश के प्रेसिडेंट के तौर पे कार्यरत थे? इटली के। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, इटली। डी आंसर जो है ना, डी ऑप्शन, ये करेक्ट होगा, ठीक है। अगर इनके बारे में बात करें तो ये लॉन्गेस्ट सर्विंग और लॉन्गर लिव्ड, ठीक है, बहुत सालों तक सर्व करने वाले और ज़्यादा उम्र दराज प्रेसिडेंट में से एक हैं आफ्टर वर्ल्ड वॉर सेकेंड, ठीक है। तो वी कैन राइट लॉन्गेस्ट सर्विंग, ही वॉज द लॉन्गेस्ट सर्विंग, ठीक है, लॉन्गेस्ट सर्विंग प्लस लॉन्ग लिव्ड, ठीक है, लॉन्ग लिव्ड प्रेसिडेंट्स, ठीक। तो अगर इतनी बात इनके बारे में पूछी जाए तो आप बता सकते हैं, ठीक। इटली के पूर्व प्रधानमंत्री, सॉरी, इटली के पूर्व राष्ट्रपति, दैट इज जॉर्जियो नेपोलिटानो, ठीक, जिनका निधन हो गया है, जिनका कार्यकाल 2006 से 2015 तक था, ठीक, वो लॉन्गेस्ट सर्विंग और लॉन्गेस्ट लिव्ड प्रेसिडेंट में से एक हैं आफ्टर इटालियन जो रिपब्लिक, मॉडर्न इटालियन रिपब्लिक है, बेसिकली पोस्ट पीरियड ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर, उसके बाद के, ठीक है। एकमात्र ऐसे पहले और एकमात्र ऐसे प्रेसिडेंट हैं इटली के जो री इलेक्ट हुए, ठीक है, एकमात्र ऐसे और पहले प्रेसिडेंट हैं जो री इलेक्ट हुए हैं। इनके बारे में ये सारी बातें आपको याद रखनी है। आगे चलते हैं। हु हैज़ वॉन मोटर जीपी भारत 2023 हेल्ड एट बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट इन ग्रेटर नोएडा यूपी, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन पूछ रहा है कि किसने मोटो जीपी भारत 2023 जो बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश में हुआ, जीता है। तो ये जीता है मार्को बेजची, ठीक है। क्या आंसर है करेक्ट? बी आंसर करेक्ट है, ठीक है। इन ऑप्शंस में ना ढंग से अगर आप नाम पढ़ेंगे तो एक आंसर है, एक नाम है, ये तो अच्छा फर्स्ट पे हो गए, इन्होंने जीता है, ठीक है, पोजीशन वाइज देखें तो ये फर्स्ट पे होगा बिकॉज ये विनर है। अब सेकंड पे कौन आया? सेकंड पे आए जॉर्ज मार्टिन, ठीक है, सेकंड पे कौन था? जॉर्ज मार्टिन। अच्छा, मार्को बेच्ची किस देश से संबंधित हैं? तो ये खिलाड़ी हैं इटली के, ठीक है, कहाँ के खिलाड़ी हैं? इटली के खिलाड़ी हैं। अब बात करें जॉर्ज मार्टिन की, तो ये कहाँ के हैं? तो ये हैं स्पेन के, ठीक है, कहाँ के हैं? स्पेन के हैं। अब वन और टू हो गया, अब थर्ड की बारी, ठीक है। थर्ड पे कौन है? थर्ड पे हैं फैबियो, कौन है? फैबियो क्वारीटारो, ये हैं थर्ड पे। ये कहाँ के खिलाड़ी हैं? ये फ्रांस के खिलाड़ी हैं, ठीक है। तो आपको फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पोजीशन तीनों बता दी गई है। कौन सा खिलाड़ी किस देश से संबंधित है वो भी बता दिया गया है, ठीक है। अब चार ऑप्शन तो आपने डिस्कस कर लिए, इसमें एक ऑप्शन जो फर्स्ट ऑप्शन है वो भी इम्पॉर्टेंट है। क्यों इम्पॉर्टेंट है? ये जो नाम है ना,
कदई यासिन अहमद, ये नाम इम्पॉर्टेंट है। क्यों इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि ये एकमात्र भारतीय यू कैन से राइडर हैं, तो ही इज़ दी ओनली इंडियन राइडर, ठीक है, जिसने पार्टिसिपेट किया है। किसमें पार्टिसिपेट किया है? मोटो जीपी भारत 2023 में। तो ओनली इंडियन राइडर इज़ कदई यासिन अहमद। तो सारे ऑप्शंस ऐसे लिए गए हैं जिससे आपको डिटेल्ड में चीज़ें एक्सप्लेन की जा सकें, ठीक है। ज़रूरी नहीं है ऐसे ऑप्शन आएंगे, ऑप्शन डिफरेंट भी हो सकते हैं, बट जो एक्सप्लेनेशन है उससे क्वेश्चन ज़रूर बन सकता है। तो सब चीज़ अच्छे से ध्यान से देखनी है। अगर हम मोटो जीपी भारत 23 की बात करें तो ये 13वां बेसिकली सीज़न है, 20 में से 20 रेसेस में से ये 13 है, ठीक है। ये बिगेस्ट मोटर रेसिंग इवेंट है इंडिया में आफ्टर फॉर्मूला 1। और कदई यासिन अहमद की हमने बात की थी, इंडिया के ओनली राइडर हैं जिन्होंने पार्टिसिपेट किया है मोटो जीपी मोटो थ्री कैटेगरी में इन्होंने पार्टिसिपेट किया है, ठीक है। कैटेगरी वो भारत वाली नहीं है, कैटेगरी इनकी है मोटो थ्री, ठीक। तो कैटेगरी ध्यान रखना, ठीक है ना। नेक्स्ट पे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। देखो नेक्स्ट क्या है, नेम द कंट्री दैट हैज़ रिसेंटली लॉन्च इस अपनी पहली कटिंग एज मेन बैटल टैंक। किस कंपनी ने अभी हाल ही में लॉन्च की है, क्या नाम है उसका? उसका नाम है मरकावा मार्क 5, जिसे हम बराक के नाम से भी जानते हैं। कंट्री है इज़राइल, ठीक है। ई आंसर बिल्कुल करेक्ट है। क्यों करेक्ट है? क्योंकि इज़राइल ने अभी लॉन्च की अपनी एच कटिंग मेन बैटल टैंक, जिसका नाम बराक या मरकावा मार्क 5 है। ये जो मार्क 4 है ना, मरकावा 4 है, उससे इंस्पायर्ड है, ठीक है। जो मरकावा 4 है उससे इंस्पायर्ड होके दे हैव क्रिएटेड दिस 5। अच्छा, बराक का BARAK इसका मतलब होता है लाइटनिंग, ठीक है। इसका मतलब होता है लाइटनिंग, ठीक, हेब्रू लैंग्वेज में, ठीक है। किस लैंग्वेज में? हिब्रू लैंग्वेज में इसका मतलब होता है लाइटनिंग, ठीक। तो मार्क 5 रिफाइंड वर्जन है, ठीक। 5 ईयर्स के लिए जो टैंक है, अंडर वाटर टैंक है, इसकी जो डेवलपमेंट है वो 5 ईयर्स की बताई जा रही है। जॉइंटली इसको डेवलप किया गया है डिफेंस मिनिस्ट्रीज आर्म्ड व्हीकल डायरेक्टरेट एंड द IDF ग्राउंड फोर्स एंड आर्म्ड कॉप्स के द्वारा, ठीक। पहला मॉडल टैंक का डिलीवर हो जाएगा 252 आर्म्ड बटालियन ऑफ द 401 ब्रिगेड को, ठीक है। जहाँ तक इसराइल की बात करें, जेरूसलम कैपिटल, करेंसी इसराइली शकेल, और बेंजामिन नेतन्याहू जो हैं आप सब जानते हैं, इनके PM हैं, दैट इज़ प्रधानमंत्री हैं, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर हैं। आगे देखते हैं, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन ऑफ टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड। कौन TASL के न्यू चेयरमैन बने हैं? तो इनका नाम है बनमाली अग्रवाला, ठीक है। बनमाली अग्रवाल जो हैं वो न्यू क्या बने हैं, न्यू चेयरमैन बने हैं टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड के। अच्छा, ये टाटा सन्स की बेसिकली आप कह सकते हैं उसके अंडर है, ठीक है। टाटा सन्स के ये अंडर है, नाम से ही आपको पता चल रहा होगा कि टाटा एडवांस सिस्टम, राइट, टाटा एडवांस सिस्टम्स लिमिटेड। तो न्यू चेयरमैन बने हैं बनमाली अग्रवाल, ठीक। बेसिकली जो एरोस्पेस या डिफेंस सॉल्यूशंस हैं उनमें ये लोग डील करते हैं, TASL, ठीक है। और सब्सिडरी है टाटा सन्स की, जैसे बताया। अच्छा, विजय सिंह जो हैं उनका पद लिया है किसने? बनमाली अग्रवाल ने। तो पूछ ले कि इन्होंने किसको रिप्लेस किया है, बता दे कि बनमाली अग्रवाल जो हैं वो न्यू चेयरमैन बने हैं TASL के, तो ये किसको रिप्लेस करके बने हैं? तो वहाँ आंसर आ जाएगा विजय सिंह, ठीक है। या किसको सक्सीड किया है, ये वर्ड भी यूज़ होता है, तो वो भी आंसर होगा विजय सिंह।
तो किसको सक्सीड किया है, कौन नए बने हैं, दोनों जानना इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, हेडक्वार्टर की बात करें तो हैदराबाद तेलंगाना में, और अगर इनके MD और CEO की बात करें तो सुकरण सिंह इनके MD और CEO हैं। ठीक है, आगे चलें, नेक्स्ट देखें। देखो, विश्वनाथ घाट जो है वो किस स्टेट में है जो अभी चूज़ किया गया है बेस्ट टूरिज्म विलेज ऑफ इंडिया के तौर पे। ठीक है, अब बताओ विश्वनाथ घाट कहाँ पे है। विश्वनाथ घाट है असम में। ठीक, कहाँ पे है? असम में, असम के सोनितपुर डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक है, कहाँ पे है? सोनितपुर डिस्ट्रिक्ट में है, ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे। ठीक है, सोनितपुर डिस्ट्रिक्ट में है, किसके? ऑन द बैंक ऑफ, ठीक है, किसके किनारे? ब्रह्मपुत्र, ऑन द बैंक ऑफ ब्रह्मपुत्र नदी। ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे बेसिकली ये घाट है। ठीक है, तो जो विश्वनाथ घाट है वो असम में सोनपुर डिस्ट्रिक्ट में ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे है। इसके अलावा दो और ऐसे विलेजेस हैं जिनको बेस्ट टूरिज्म विलेज ऑफ इंडिया का खिताब दिया गया है, और उनमें से एक है देखो कीर्तेश्वरी विलेज और दूसरा है सरमोली विलेज। ठीक है, ये दो विलेज और हैं जिनको मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म MOT मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ने सेलेक्ट किया है। ठीक है, जो कीर्तेश्वरी है वो वेस्ट बंगाल में है, किस डिस्ट्रिक्ट में है? मुर्शिदाबाद डिस्ट्रिक्ट में, और सरमोली विलेज है पिथौरागढ़ उत्तराखंड में। ठीक है, इनको भी बेस्ट टूरिज्म विलेज का किताब दिया गया है, तो ये दोनों भी आप याद करेंगे, ये भी पूछा जा सकता है। ठीक है, विश्वनाथ जो मेजरली जिसको जाना जाता है गुप्त काशी के तौर पे, और जो विश्वनाथ मंदिर है उसके नाम पे इस घाट का नाम है, और मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ने ये बेसिकली अनाउंस किया है इसे बेस्ट टूरिज्म विलेज ऑफ इंडिया के तौर पे। ठीक है, इतना समझ आया, आगे चलें, आगे देखें। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच अमंग द फॉलोइंग हैज़ इंक एग्रीमेंट, किसने, इनमें से किसने एक एग्रीमेंट साइन किया है डिजिटल लेंडर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया के साथ। ठीक है, आपको इनमें से किसी एक ऑर्गेनाइजेशन पे टिक करना है जिसने अभी अभी एक एग्रीमेंट साइन किया है डिजिटल लेंडर एसोसिएशन ऑफ इंडिया के साथ, ताकि वो फिनटेक सेक्टर को इंडिया में बूस्ट कर सकें। ठीक है, बेसिकली फिनटेक सेक्टर को उन्हें बूस्ट करना है इंडिया में, इसलिए सिडबी ने, ठीक है, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया ने क्या साइन किया है, एक एग्रीमेंट यू कैन से साइन किया है डिजिटल लेंडर एसोसिएशन ऑफ इंडिया के साथ, ताकि वो फिनटेक सेक्टर को थोड़ा बूस्ट कर सके। ठीक, सिडबी लखनऊ में, यूपी में आप कह सकते हैं इसका जो है हेडक्वार्टर है, और शिवा सुब्रमण्यम रमन जो हैं इसके क्या हैं, इसके CMD हैं। ठीक, नेक्स्ट पे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। जो फर्स्ट एडिशन है भारतीय प्रकाश स्तंभ उत्सव का, या इंडियन लाइट हाउस फेस्टिवल जो है उसका जो पहला एडिशन है, जो पहला फर्स्ट एडिशन है वो कहाँ पे होस्ट किया गया, किस सिटी में या किस UT में इसको होस्ट किया गया? ये जो है वो गोवा में होस्ट किया गया था। ठीक है, तो डी आंसर, ई आंसर इसका बिल्कुल करेक्ट है, गोवा में, ये अगोडा फोर्ट में, पंजी में, हाँ गोवा में, कहाँ पे? अगोडा फोर्ट है, हाँ अगोडा फोर्ट है, अगोडा फोर्ट में। ठीक है, कहाँ पे? पंजिम में इसको बेसिकली सेलिब्रेट किया गया। लाइट हाउस फेस्टिवल है तो लाइट हाउसेज जो होते हैं बेसिकली वो हेरिटेज को जो एक धरोहर हैं वो, क्योंकि बहुत पुराने हैं।
ठीक है, बेसिकली लाइट हाउस हेरिटेज टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए दे आर इस कैंपेन के अंदर ही इन्होंने फेस्टिवल को मनाया है। और सबनंदा सोनेवाल जो यूनियन मिनिस्टर हैं पोर्ट्स शिपिंग एंड वाटरवेज के, उन्होंने इस फेस्टिवल को इनॉग्रेट किया था। थीम जो एम था उसका वही था, टू रिजुविनेट दी रिच मैरिटाइम हिस्ट्री ऑफ इंडिया 75 आइकॉनिक लाइट हाउसेज, ठीक है, और उनके पीछे जितनी भी कहानियां हैं देश विदेश की वो बेसिकली उजागर करना। इस फेस्टिवल के दौरान एक सेशन टाइटल था, वेंगार्ड्स ऑफ आर शोर्स लाइट हाउसेज एज टेस्टामेंट्स ऑफ इंडियाज पास्ट एंड प्रेजेंट, और इसको भी बेसिकली ये हेल्ड हुआ और ऑर्गेनाइज हुआ भारत प्रभा के द्वारा, जो एक इनिशिएटिव है इंस्टीट्यूट ऑफ गवर्नेंस पॉलिसीज एंड पॉलिटिक्स का, ठीक है। नेक्स्ट चलें, नेक्स्ट पे देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अच्छा, ये जो फेस्टिवल है, एक चीज़ रह गई, हाँ ठीक है, ये जो फेस्टिवल है ये मनाया कब गया वो तो रह गया बताना। तो ये मनाया गया 23 सितंबर को, ठीक है, 23 सितंबर को ये मनाया गया 2023 में, ठीक, कब मनाया गया 2023 में, 23 सितंबर को। आगे देखें, नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट क्या है, मेटा ने अभी हाल ही में क्या किया है, यूपीआई लॉन्च किया, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस लॉन्च किया है व्हाट्सएप बिजनेस के लिए। व्हाट्सएप बिजनेसेस जो बिजनेस मैसेजिंग ऐप है ना, एक दो व्हाट्सएप होते हैं, एक व्हाट्सएप तो वो है जो हम और आप सब यूज़ करते हैं, जो सबके लिए है ऑल, एक व्हाट्सएप और यूज़ होता है, आप एक ही फ़ोन में दो व्हाट्सएप कैसे चला पाते हैं, एक तो नॉर्मल व्हाट्सएप होता है जो एक नंबर से आप लॉग इन करते हैं अपने नंबर से, ठीक है, और एक और व्हाट्सएप होता है जो व्हाट्सएप बिजनेस के नाम से होता है, ठीक है, प्ले स्टोर पर जाओगे मिल जाएगा। तो ये बेसिकली बिजनेसेस जो लोग चला रहे हैं, अगर जैसे इंस्टाग्राम पे और इन सब पे ही प्लेटफॉर्म पे आप अपना प्रोडक्ट सेल करते हो, उसी तरह व्हाट्सएप बिजनेस पे भी आप कैटलॉग बना के और चीज़ें बना के अपना बिजनेस सेल कर सकते हो, जो भी प्रोडक्ट आप रखते हो उसको सेल कर सकते हो। तो व्हाट्सएप बिजनेस के लिए अभी मेटा ने रिसेंटली लॉन्च किया है यूपीआई किसके कोलैबोरेशन के साथ, तो ये कोलैबोरेशन हुआ था रोजर पे एंड पे यू का। किसका कोलैबोरेशन है, रोजर पे और पे यू का। अगर इसकी बात करें यूपीआई की, तो पहले जो नॉर्मल व्हाट्सएप था जो सभी यूज़ करते हैं उसमें ऑलरेडी आ चुका है, पर जो व्हाट्सएप बिजनेस वाला है उसमें अभी आया है, अभी लॉन्च हुआ है, मेटा ने लॉन्च किया है यूपीआई पेमेंट्स फॉर व्हाट्सएप बिजनेस मैसेजिंग ऐप इन इंडिया। और ये अलाउ करेगा कि बिजनेसेस में जो भी लाइक सेल परचेज है जहाँ पे भी पे करना है, यूपीआई ऑप्शन देगा कि आप यूपीआई से पे कर दें, और ये यूपीआई में सारा होगा, जैसे डेबिट क्रेडिट कार्ड किसी से भी आपको पे करना है नेट बैंकिंग के थ्रू, गूगल पे के थ्रू, फ़ोनपे के थ्रू, पेटीएम के थ्रू, और जितने भी ऑप्शन होते हैं वो और भी ऑप्शंस आपको देगा, ठीक है। और ये बेसिकली पार्टनर किया गया है रोजर पे और पेयू के द्वारा, ठीक, आया समझ। नेक्स्ट पे चलें, नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट ने अपॉइंट किया है भार्गव दास गुप्ता को अपने वाइस प्रेसिडेंट के तौर पे 3 साल के लिए। भार्गव दास गुप्ता जो हैं वो ADB के, एशियन डेवलपमेंट बैंक के, क्या बने हैं, वाइस प्रेसिडेंट बने हैं, ठीक है। अच्छा, ये कहीं कार्यरत थे, वो जगह का नाम आप कमेंट करो कि ये कौन सी ऑर्गेनाइजेशन में कार्यरत थे, और ये यहाँ आए हैं तो इनकी जगह वहाँ पे किसी ने ली होगी तो वो भी आप बताओ, ठीक है, नहीं तो मैं तो बता ही दूंगी। उससे पहले आप वीडियो को पॉज करके आप कमेंट सेक्शन में जाके ये चीज़ मेंशन करो, ठीक। तो फिलहाल जो ADB है, एशियन डेवलपमेंट बैंक है, उसने अपॉइंट किया है 3 साल के लिए भार्गव दास गुप्ता को एज वाइस प्रेसिडेंट, ठीक है। तो वाइस प्रेसिडेंट के तौर पे भार्गव दास गुप्ता कब से, बेसिकली अभी नवंबर से ही, नवंबर 2023 से ही विल बी सर्विंग एज वाइस प्रेसिडेंट ऑफ ADB, दैट इज एशियन डेवलपमेंट बैंक, ठीक है। ये बेसिकली रिस्पॉन्सिबल होंगे
मैनेजमेंट और मैनेजमेंट ऑफ द ऑपरेशन ऑफ ADB's प्राइवेट सेक्टर ऑपरेशन डिपार्टमेंट और जो ऑफिस ऑफ मार्केट्स डेवलपमेंट है या पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप्स हैं उन सब में. ही वॉज सर्विंग एज MD एंड CEO ऑफ ICICI Lombard General Insurance सिंस 2009. तो अभी आपको हिंट मिल गया होगा कि ये कहाँ से आए हैं. ये आए हैं ICICI Lombard से. ठीक है, ये ICICI Lombard में 2009 से सर्व कर रहे हैं. किस पद पे? MD और CEO के पद पे. ठीक, और अब इनकी जगह किसने ली है वहाँ पे? इनकी जगह ली है संजीव मंत्री ने. ठीक है, संजीव मंत्री ने इनकी जगह ली है. तो अब संजीव मंत्री कौन बन गए हैं? संजीव मंत्री बन गए हैं MD और CEO ऑफ ICICI Lombard. नेक्स्ट क्वेश्चन यही है, देख लो. ठीक है, तो क्वेश्चन एक ही चीज़ से, अब अगर किसी ने इस इंफॉर्मेशन को भार्गव दास गुप्ता किसके किस बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन के वाइस प्रेसिडेंट बने हैं इतने तक ही पढ़ा होता, इसके आगे नहीं पढ़ा होता या डिटेल में नहीं कवर किया होता, तो अगर ये क्वेश्चन आता तो क्या वो बच्चा कर पाता? नहीं. तो हर चीज़ जो पढ़ाई जा रही है, डिटेल में पढ़ाई जा रही है, उसको ध्यान से सुनना है. तो क्वेश्चन वही है कि जनरल इंश्योरेंस कंपनी है, उसने संजीव मंत्री को अपॉइंट किया है 1 दिसंबर 2023 से अपॉइंट होंगे एज न्यू MD और CEO. किस कंपनी के? ICICI Lombard के. 5 साल तक के लिए अपॉइंट होंगे या जब तक भी ये कार्य करना चाहते हैं तब तक, या 5 साल तक. ठीक है, विच एवर इज़ एप्लीकेबल. तो ये 5 साल के लिए बेसिकली यू कैन से ICICI Lombard इंश्योरेंस में एज MD और CEO अपॉइंट हुए हैं. ठीक, संजीव मंत्री 1 दिसंबर से इनका जो पद है, जो कार्यकाल है बेसिकली, उस पद पे ये उस जर्नी को ये स्टार्ट करेंगे 1 दिसंबर से. और भार्गव दास गुप्ता की इन्होंने जगह ली है. ठीक है, आए समझ? कुछ नहीं समझ में आया, आप कमेंट कर सकते हैं, डेफिनेटली बता सकते हैं. तो आज के लिए इतना ही. वी विल बी मीटिंग यू इन द नेक्स्ट सेशन. थैंक यू.